राजधानी दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुजरात में हुए कोयले मामले पर बोलते हुए कहा कि गुजरात में 2008 से एक मॉडल चल रहा था, उस मॉडल का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मॉडल का नाम है खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। इस मॉडल के तहत गुजरात सरकार ने 14 साल में 60 लाख टन कोयला खा लिया जो छोटे उद्योगों को मिलना था। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि यूपीए सरकार ने छोटे उद्योगों को किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने की नीति 2007 में शुरू की थी। इसके तहत राज्यों से कहा था कि कोल इंडिया की खदानों से उनके पास कोयला सीधे पहुंच जाएगा और वे छोटे उद्योगों को कोयला मुहैया करा दे, लेकिन गुजरात सरकार ने खुद ये काम करने के बजाय कुछ एजेंसियों को दे दिया। वल्लभ ने दावा किया कि पिछले 14 सालों में गुजरात के उद्योग विभाग ने ये एजेंसियां नहीं बदली। 2008 से एक मॉडल चल रहा था गुजरात में और उस मॉडल का पर्दाफाश आज हुआ। उस मॉडल का नाम है खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। खूब खाओ और खूब खाने दो। गुजरात सरकार ने भी उस योजना में अपनी प्रतिभागिता दिखाई और कुछ एजेंसीज को अपॉइंट किया। उन एजेंसीज ने क्या किया, गुजरात के एसएमईज को कोयला नहीं दिया, दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगों को जाके वो कोयला 3 गुना कीमत में बेच दिया। लगभग 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था, जिन पे उनका हक था, जो यूपीए की सरकार ने 2007 में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत एसएमईज को देने की बात कही, गुजरात की सरकार ने पिछले 14 साल में 60 लाख टन कोयला राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को लगभग 4 गुना कीमत पे बेच दिया। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि 60 लाख टन कोयला जो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था, उसे राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को कई गुना भाव दर दे दिया गया। इसकी कीमत 6000 करोड़ रुपए है। यह 6000 करोड़ रुपए का घोटाला है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में समयबद्ध जांच हो।